हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का इतिहास क्या था। आ रहा समझ में? अब जैसे कि हम लोग जानने वाले हैं आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जनरेशन हम लोग कहते किसे? तो जब सबसे पहले कंप्यूटर बना तो एक एक ही बार में तो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर बना नहीं होगा। पहले क्या हुआ होगा? धीरे धीरे करके विकास हुआ होगा। जो विकास में, कंप्यूटर के विकास में जो समय लगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी कहते हैं। अब इस कंप्यूटर को विकास होने में कितनी पीढ़ी का समय लगा वो हम लोग जानेंगे इसमें। अब देखिए, सबसे पहले बता रहा है जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कह रहा है कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब कह रहा है बहुत साल पहले भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और आज कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब से कंप्यूटर का निर्माण हुआ तब से लेकर के और इस समय तक, यानी कि उसके पहले भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था और हम लोग आज भी करते हैं, लेकिन कह रहा है पहले के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में बहुत अंतर है। क्योंकि जब पहले कंप्यूटर बने उस समय के कंप्यूटर में और इसमें जो मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं, इसमें क्या है, काफी बदलाव नजर आता है। और आगे कह रहा है कंप्यूटर में समय के साथ परिवर्तन, काफी परिवर्तन हुआ और आज के समय में कंप्यूटर काफी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर भी क्या होता गया, मॉडर्न और आधुनिक होता गया। जो हमारा क्या है, आजकल के जो भी हम कंप्यूटर देखेंगे ये काफी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलेंगे। और आगे कह रहा है लेकिन पुराने समय के कंप्यूटर इतने मॉडर्न और यानी कि आधुनिक एडवांस नहीं थे। आगे कह रहा है लेकिन बदलते समय के साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में सुधार हुआ जिसमें काफी समय लगा। यानी कि पहले जो कंप्यूटर था इतना मॉडर्न और एडवांस नहीं था कि हम जो भी काम करना चाहें आसानी से वो काम कर सकते हैं। इस समय हम क्या करना चाहते हैं, जो कोई भी काम करना चाहते हैं तो आसानी से एक साथ कोई भी काम कर सकते हैं। एक साथ दो काम करना तो आसानी से हम वो काम कर सकते हैं। जितना फास्ट काम करना उतना फास्ट हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वो काम कर सकते हैं। लेकिन जब पहले के कंप्यूटर था तो हम एक साथ में कोई एक ही काम कर पाएंगे और वो क्या था, जब वो प्रोसेस करेगा तो बिल्कुल स्लो ही प्रोसेस करता था, फास्ट प्रोसेस नहीं करता था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या होने लगा, विकास होने लगा। और आगे कह रहा है पहले के कंप्यूटर में बहुत बड़े पहले के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनकी स्पीड यानी कि गति क्या होती है, तेज होती है। जब पहले के कंप्यूटर थे तो उनका साइज क्या था, काफी बड़ा था लेकिन स्पीड काफी स्लो था। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया तो जो इसमें मॉडर्न कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कंप्यूटर क्या है, साइज में काफी छोटा है और इसका स्पीड भी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। और फिर आगे कह रहा है सरल भाषा में इसे समझे तो वह टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर के विकास में जो समय लगा, जो टाइम लगा, वही हमारा क्या कहलाता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके आगे जैसे हम लोग देखेंगे बता रहा है कंप्यूटर की इस पीढ़ी को विकास होने में कितने दिन कितने पीढ़ी का समय लगा। बता रहा है कंप्यूटर की तकनीकी को विकास होने में लगभग 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया। और आगे कह रहा है इसलिए कंप्यूटर 5 पीढ़ियां होती हैं जो नीचे दी गई। अब बता रहा है फर्स्ट पहला पीढ़ी पहले पीढ़ी के कंप्यूटर जो कब बना था, 1940 से लेकर के, और कब तक चला था, 1956। और बता रहा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर तो कब से, 1956 से लेकर के, और कब तक, 1963 तक। और फिर आगे कह रहा है तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से लेकर के कहाँ तक, 1971 तक। और फिर चौथी आगे कह रहा है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से लेकर के 1985 तक। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1985 से लेकर के, और वर्तमान में जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये कौन सा पीढ़ी का कंप्यूटर है, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। असल में यानी कि सबसे पहले जब हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया वो कब से कब तक उसका टाइम पीरियड रहा था, 1940 से लेकर के 1956 तक। और जब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का निर्माण हुआ वो कब से स्टार्ट हुआ, 1956 से लेकर के और 1963 तक। और फिर तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1964 से लेकर के 1971, और चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1971 से लेकर के 1985, और जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है यानी कि जो अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये किस जनरेशन कंप्यूटर है, 5 जनरेशन। चलिए अब इसके बाद सबसे पहले हम देखें तो बता रहा है किसके बारे में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। अब ध्यान दीजिए कि जब हमारा पहली बार जब कंप्यूटर बना था तो क्या उसका साइज काफी छोटा हुआ करता था, नहीं, उसका साइज क्या था, काफी बड़ा था। अब वही से बता रहा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में
पहली पीढ़ी कंप्यूटर साइज में काफी बड़े हुआ करते थे, अब आप इनके साइज यानी कि आकार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटर को रखने के लिए एक कमरे की जरूरत पड़ती थी। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे इनका साइज इतना बड़ा हुआ करता था कि हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो और उसको रखना हो तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक कमरे की आवश्यकता पड़ेगी। क्या और एक छोटे से मेज पे रखना चाहे तो रख पाएंगे, क्योंकि उसकी साइज क्या है, काफी बड़ा है। और आगे कह रहा है पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 में हुई थी और इसका अंत 1956 में हुआ था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग हुआ था, होता था इसमें, वैक्यूम ट्यूब। यानी कि इस समय जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें किसका इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब का। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये कांच के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कांच के। इनका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। अभी ये कंप्यूटर में लगभग हजारों की संख्या में होते हैं, इसलिए इनका साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है। अब हम लोग अपने कंप्यूटर में छोटा सा इतने बड़े छोटे से प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वही इतने बड़े वैक्यूम ट्यूब का और हम हजारों की संख्या में इस्तेमाल करेंगे, इसका साइज क्या होगा, काफी बड़ा होगा। जब हमसे कहीं पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस चीज का, किस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। और आगे कह रहा है इनमें हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था। यानी कि जब हम देखें कि ऐसे कांच का कुछ वैक्यूम अगर जो हमारे कंप्यूटर में हजारों की संख्या में लगाया जाए, वो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा होगा। अब ऐसे हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर ये इतना बड़ा, आ समझ में, अगर ये एक है तो इसका साइज क्या है, काफी छोटा है। लेकिन अगर जो इसी को हम हजारों की संख्या में लगाएं तो इसका साइज क्या हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। अब वही कह रहा है कि जैसे ही इस वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हजारों की संख्या में लगाया जाता था, इसलिए इसका आकार क्या हो जाता था, काफी बड़ा हो जाता था। और इसके बाद कह रहा है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जब एग्जाम हमसे पूछे कि फर्स्ट जनरेशन इन कंप्यूटर में, देखिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि फर्स्ट जनरेशन इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू है कि फॉल्स है। तब यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। और फिर आगे कह रहा है यहाँ पे, अब देखिए आगे कह रहा है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जब हमारा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का जब विकास होके कंप्लीट हो गया, तो जब दूसरी पीढ़ी जब आया तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ था, तो ये कह रहा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई थी, 1956 में हुई थी और इसका अंत कब हुआ था, 1963 में। और फिर आगे कह रहा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, तो इस वैक्यूम ट्यूब को हटा करके फिर क्या लगा दिया गया, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर का साइज कितना बड़ा होता था, तो आप लोग एक पटाखा देखे होंगे, क्या देखे होंगे, एक छोटा वाला पटाखा देखे होंगे, उसी के आकार का होता है क्या चीज, ट्रांजिस्टर। क्या होता है, ट्रांजिस्टर। अभी ट्रांजिस्टर भी क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर में हजारों की संख्या में लगे होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता था, ट्रांजिस्टर का। और उसके बाद कह रहा है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी छोटे थे। यानी कि जब वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले हमारा ट्रांजिस्टर का जो छोटा होगा, हमारे कंप्यूटर का साइज भी क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब वही कह रहा है नीचे, ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया। यानी कि जब हमारे कंप्यूटर में पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जब वैक्यूम ट्यूब को हटाया गया और क्या लगाया गया, ट्रांजिस्टर, तो हमारे कंप्यूटर में जैसे ट्रांजिस्टर लगाया गया, तो इसका साइज ट्रांजिस्टर का साइज वैक्यूम ट्यूब से क्या है, कम है, इसीलिए हमारे कंप्यूटर का साइज पहले जनरेशन कंप्यूटर से क्या हो गया, छोटा हो गया। और फिर आ क्या रहा, ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ था। यानी कि जब हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में वैक्यूम ट्यूब को हटा करके जब क्या आया, ट्रांजिस्टर, तो उस समय तक हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हो चुका था। यानी कि जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अगर जो वैक्यूम ट्यूब है, तो वैक्यूम ट्यूब पे हम क्या करें, अगर जो एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो एक एप्लीकेशन ही ओपन होगा, लेकिन क्या होगा, स्लो ओपन होगा, क्या होगा, स्लो ओपन होगा। लेकिन अगर जो हम वही ट्रांजिस्टर पे आ जाए, तो एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो सही काम करेगा, लेकिन जब दूसरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे तब जाकर वो स्लो काम करेगा।
अरे समझ में, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जब सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया उस समय तक हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी विकास हो चुका था, लेकिन इन दोनों जनरेशन के कंप्यूटर में एक कमी थी, और वो कमी क्या थी कि ये काम करते वक्त काफी ज्यादा हीट हुआ करते थे। क्या होते थे? काफी हीट होते थे, और इसके हीट को कम करने के लिए किसी फैन का जरूर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था, एक बड़े एसी का इस्तेमाल करना पड़ता था कि जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता था, ठंडा रखता था। और अगर जो हम पहले जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्च ज्यादा आता था, उससे कम आया किसमें? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी का खर्च क्या होगा? थोड़ा सा कम। समझ में? अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर में अगर जो वैक्यूम ट्यूब लगे हैं, और एक वैक्यूम ट्यूब अगर जो हमारा क्या ले रहा है कि अगर जो 2 वाट ले रहा है, कितना वाट? 2 वाट ले रहा है, और ये हजारों की संख्या में लगे हैं, तो ये क्या होगा हमारा कंप्यूटर? कुछ ज्यादा ही वाट लेगा। और अगर जो हम ट्रांजिस्टर की बात करें, हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर अगर हमारा 1 वाट ले रहा है, तो अगर जो हमारा 10,000 की संख्या में लगाए तो कितना हो जाएगा? अगर जो 1,000 की संख्या में हमारा लगाए तो 10 वाट, एक कितना हो जाएगा? 10,000 वाट हो जाएगा। और अगर जो यही हमारा किसमें, इसमें अगर जो 1,000 हमारा लगा है, ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। अब ऐसे जब हम अपने कंप्यूटर का देखें, तो हमारा कंप्यूटर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन लेता था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और उससे कम फिर कौन लिया? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब इन दोनों में बस यही कमी थी कि क्या करता था ये, ठंडा रखने के लिए इसी का इस्तेमाल करना होता था। अब इस समय अगर जो जो हम मॉडर्न कंप्यूटर चलाते हैं, इसको ठंडा रखने के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को दिखाया था, छोटा सा फैन था। क्या था? छोटा सा फैन था कि जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, हमारे प्रोसेसर को आसानी से वो ठंडा रख देता है। अब इसका एक रीजन बताए थे आप लोगों को कि अगर जो हम अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर को ठंडा ना रखें, कूल ना रखें, तो एक कमी बताए थे कि हमारा कंप्यूटर बार बार क्या होगा, रिस्टार्ट होगा, और वो ज्यादा हीट होने लगा, तो एक समय ऐसा है कि हमारा प्रोसेसर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी कि वो काम करने वाला नहीं रह जाएगा। अब वही वैक्यूम ट्यूब है, अगर इसको हम ठंडा ना रखें, तो ये कांच का है, ज्यादा हीट होगा, तो ज्यादा हीट होने की वजह से क्या हो सकता है, टूट सकता है। ऐसा में जब ये टूट जाएगा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। और जो ट्रांजिस्टर की बात करें, तो वो जो ट्रांजिस्टर भी ज्यादा हीट होगा, तो इसके अंदर जो पतले पतले वायर लगे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे, और जब ये टूट जाएंगे तो भी ये कोई काम करने वाला नहीं। इसीलिए इन सभी प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? एसी का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके बाद हमारा आता है क्या चीज, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि जब हमारा सेकेंड जनरेशन गया, फर्स्ट जनरेशन गया, सेकेंड जनरेशन गया, और उसके बाद क्या आया हमारा थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता था? अब इसमें बताएगा थर्ड जनरेशन में किसका, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए क्या रहा है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब से हुई थी? 1964 में हुई थी, और इसका अंत कब हुआ था? 1971 में हुआ था। फिर आगे कह रहा है, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के पास जब हम आ रहे हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, इसमें किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ध्यान दिए, वैक्यूम ट्यूब का साइज क्या है, काफी बड़ा है। अब इससे छोटा साइज हुआ किसका, ट्रांजिस्टर का। अब ट्रांजिस्टर से साइज छोटा होगा किसका, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो जैसे जैसे हमारे प्रोसेसर का साइज छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर का साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, इसमें क्या चीज, अब आगे कह रहा है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। और फिर आगे कह रहा है, आगे आप कह रहा है, आईसी एक तरह की क्या है, चिप है जो सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन मिट्टी आप लोग सुने होंगे, सुने सभी लोग ना, तो जो हमारा आईसी होता है वो एक प्रकार का चिप होता है। चिप क्या चीज, आप लोग मेमोरी देखे हैं ना, उसी के जैसा होता है, लेकिन साइज थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन वो किस चीज का बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है। और आगे कह रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। यानी कि जब ये सिलिकॉन से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। और आगे कह रहा है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में काफी ज्यादा रिलीजियबल यानी कि विश्वसनीय थे। यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, और हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये कोई हमारा जरूरी नहीं कि बिल्कुल सही काम करें। आसन में ऐसा हो सकता है कि हम जो डाटा कैलकुलेशन करने के लिए दिए, वो डाटा को क्या कर सकते हैं, गलत कैलकुलेट
कर सकते हैं, लेकिन जब से हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया, इस जनरेशन कंप्यूटर पे क्या होने लगा, ज्यादा विश्वास होने लगा, हम जो भी काम करेंगे बिल्कुल सही प्रोसेस करके बाहर आउटपुट निकालेगा। यानी कि जैसे भी हम यहाँ पे टाइप किए 2 + 2, 2 × 2, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, और ये दो और दो को दो में गुणा करें तो कितना आएगा, 4। लेकिन उसमें कोई ये भी विश्वास नहीं था कि ये सही कैलकुलेट कर रहा है कि गलत। लेकिन जैसे थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया, इसमें हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं कि जो हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, ये जो भी कैलकुलेट करेगा वो बिल्कुल सही कैलकुलेट करेगा, गलत कैलकुलेट नहीं करेगा। और आगे कह रहा है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछली दोनों कंप्यूटर के कंप्यूटर से क्या है, बेहतर थी। यानी कि जब हम देख रहे हैं कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इन दोनों जनरेशन कंप्यूटर से इसका स्पीड क्या था, काफी ज्यादा था। यानी कि जो काम हम इस पे 1 मिनट में करेंगे, वो इस हम 1 से 1 मिनट के अंदर में वो काम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है, इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी के आने के बाद कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया, और इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। यानी कि जब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया, इस जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होने लगा, आईसी का, किसका, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसी की वजह से इसका साइज क्या हो गया, काफी छोटा हो गया, और इसके साथ साथ जो इसकी मेमोरी की कैपेसिटी थी, यानी कि ये क्या कर सकता है कि ज्यादा से ज्यादा फाइल को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और आगे कह रहा है, इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। अब देखिए, सबसे पहले कह रहा है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है कि जब कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, हम एक जगह से यानी कि इस एक पास से हम बी के पास क्या कर रहे हैं, कोई डाटा को शेयर कर रहे हैं, ये क्या करेगा, बिल्कुल टाइम जिस टाइम को देगा उसी टाइम को डाटा शेयर करके इसके पास भेज दे। आर समझ में, यानी कि जितना टाइम दे उस उतना ही टाइम वो क्या करेगा, भेज करके कंप्लीट कर देगा। अगर जो 2 मिनट दिया है तो 2 मिनट तक ही वो टाइम लेगा, ना उससे ज्यादा लेगा और ना उससे कम लेगा। और उसके बाद कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी का मतलब क्या होता है कि जो एक साथ कई सारा काम कर सके, क्या कर सके, एक साथ कई सारा काम कर सके। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट जनरेशन बताया कि हम एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, उसमें दूसरा एप्लीकेशन हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। जब थर्ड जन सेकेंड जनरेशन में आए तो एक साथ हम एक एप्लीकेशन यूज करेंगे तो अच्छे से काम करेगा, लेकिन जब दूसरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वही हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे आते हैं, तो मल्टी प्रोग्राम यानी एक साथ हम जितना प्रोग्राम चलाना चाहते हैं उतना प्रोग्राम हम आसानी से चला सकते हैं। आज समझ में, तो जैसे हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया, इसमें भी क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ। लेकिन इसका भी एक यही कमी था कि काम करते वक्त काफी ज्यादा हीट होता था, और इसको भी ठंडा रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, एसी का। आज समझ में, बस इसमें अंतर ये था कि इसका स्पीड काफी ज्यादा हो गया था, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई थी, और इसका साइज क्या हो गया था, काफी छोटा हो गया था। आप इतना ही से अंदाजा लगाइए कि जैसे भी हम देख रहे हैं कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, चलिए हम लेके आगे कहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे आगे कहाँ, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब इसका साइज देखिए कितना बड़ा दिया, लगभग एक कमरे के बराबर दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको। अब इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, वैक्यूम ट्यूब का। अब जैसे ये वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, तो इसका साइज उससे क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, यानी कि एक अलमारी के बराबर का लगभग ये कंप्यूटर दिख रहा है। अब जैसे इसको यानी कि ट्रांजिस्टर को हटा करके और आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा, उसका साइज क्या हो गया, काफी और छोटा हो गया। जैसे आप लोग पहले देखेंगे, कुछ लोग पहले का कंप्यूटर देखेंगे काफी बड़ा हुआ करता था, जैसे टीवी होता है ना उसी के साइज का होता है, लेकिन काफी थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था। वो किस जनरेशन का कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। अब इसके बाद साथ हमारा क्या चीज, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। अब जैसे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया, तो जो हमारा थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया था, उसको हटा करके क्या लगा दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर। पहले इतना थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे।